बेटियां बचानी है इन दरिंदों से जो आज सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे ही लोगों को तो गंवार कहा जाता है ना, जो सच की आवाज उठाते हैं उन्हीं को देशद्रोही कहा जाता है। अब ये जो नेता है हमारे, ये देश को अंधकार में डुबो रहे हैं, मार के नदी में बहा देते हैं इनके मंत्रियों के बेटे गलत काम करवाने के लिए। ये बेटियां गलत काम करने से झुकी नहीं है, इसलिए तो यहाँ बैठी है। कैसे परेशान हो आज, कैसे जंतर मंतर पे आना हुआ भैया? परेशान तो नीचे करो, बहुत है नीचे करो, बीके भाई नीचे नीचे और गाड़ियों से बांध के 13-14 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। कहीं हमारी देश के लिए सोना जीतने वाली बेटियों को का शोषण किया जाता है, और कहीं हमारी बेटियों को मार काट के नदियों में फेंक दिया जाता है, कहीं टुकड़े बना दिए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें डिस्टर्ब करती हैं, और खास करके हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की, हम सब महिलाएं दिन रात ये आवाज बुलंद करती हैं कि किसी भी बेटी को बेटियाँ बचानी है इन दरिंदों से जो आज सत्ता पर काबिज हैं। सत्ता पर काबिज दरिंदे, आपको आरोप लग रहा है 6 बार के सांसद हैं ये। किसी भी केस को उठाकर देख लीजिए, कोई एकाध होगा जो किसी और दूसरे बंदे का होगा, वरना सब केसेस में इन सत्ताधारी दल के नेता शामिल हैं। और सत्ताधारी दल की आड़ में ही वो जो मनुस्मृति लेकर इस संविधान से ऊपर राज चलाने की जो उनकी मनोवृत्ति है, वही कोई बात नहीं, मनुस्मृति को आपके खिलाफ देना हो जाने दीजिए। हमें इंसान अपने फेवर में चाहिए, हमें ब्राह्मण जाट या कोई और फेवर में नहीं चाहिए। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम इंसानियत को मानते हैं। हम केवल इंसानियत को मानते हैं। ऐसे ग्रंथ जो इंसानियत में भेद पैदा करें उनको हम कहते हैं समुद्र में फेंक देना चाहिए या उठाकर जला देना चाहिए, जो इंसान का इंसान से भेद करे। हाँ, उन्हीं ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं उन बातों को हम चाहेंगे कि जनता के बीच में वो आए, लेकिन जो बातें इंसान का इंसान से भेद करें, औरत आदमी में भेद करें, शूद्र गंवार पशुनारी की बात करें, ऐसे ग्रंथों में हम विश्वास नहीं रखते हैं। कह रहे हैं आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं इन शब्दों का। देखिए, मतलब एक ही है, अगर ये बेटियां हमारी आज धरने पर बैठी हैं तो इनको भी ये कहा जा रहा है कि इनके पीछे कोई विपक्ष है, इनके पीछे कोई और बड़ा वो है पूंजीपति है। लेकिन जब जब इनके खिलाफ आवाज उठती है तब तब ये हमें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गलत नहीं है। हम इंसानियत की आवाज बुलंद करने वाले आप जैसे लोगों के माध्यम से ये संदेश घर घर पहुंचाना चाहते हैं, और उन अंधे बहरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो सत्ता के नशे में मदमस्त होकर चूर होकर आज बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, और अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। कुछ नहीं किया इन लोगों के साथ। सांसद महोदय के कह देने से क्या होगा? एक साधारण आदमी के खिलाफ अगर मान लो कोई छोटी मोटी बात लगती है, छोटी मोटी कोई इनके धर्म के खिलाफ या गाय के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात उठती है, तो या कोई भगवा रंग की बिकनी पहन लेती है महिला, तो ये पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं। आज कितने दिन से ये बेटियां जिनको भारत के लिए गोल्ड लाना है, सिल्वर लाना है, मेडल्स लाने हैं, देश का विश्व में नाम ऊंचा करना है, उन बेटियों के लिए कहां गए वो सारे दल? कहीं बजरंग दल, बदरंग दल या जो भी है, विश्व हिंदू परिषद, वो सब कहां है? आज क्यों नहीं इनके साथ आकर बैठते हैं वो? आज कहां चले गए वो उनके भगवा झंडे जो आज हमारी बेटियों पर इतनी बड़ी मुसीबत है? ये बेटियां जो आज ग्राउंड पर होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस करती होनी चाहिए कि आने वाले ओलंपिक में, आने वाले एशियाड में या आने वाले और दूसरे गेम्स में भारत का सम्मान ऊंचा कर सके। बोलो, धर्म बचा रहे धर्म, ऐसे धर्म को हम तो धर्म मानते ही नहीं है। हम धर्म मानते हैं जहाँ बेटियां सुरक्षित हो, जहाँ मेरे समाज का निचले तबके का इंसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, अपने आप को सम्मानित महसूस करे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाता है ये समाज, तो हम कहेंगे कि ये देश उन अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने, भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोगों ने ये सपना देखा था कि एक समता मूलक समाज बनाएंगे और इस देश को हम पूरे विश्व में समान जैसे लोगों को बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र,
वो शास्त्री वो कह रहे हैं अनपढ़ कमाल लोग हैं जो मनु स्मृति या रामचरित मानस पे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे आपको देखिए, ये सत्ता आज ऐसे बाबाओं और ऐसे नेताओं और ऐसे ऐसे क्या कहेंगे, चमत्कारी बाबा है, ऐसे ऐसे गंदे लोगों के हाथ में है और ये उनके वोट बैंक तैयार करते हैं जो बेटियों के साथ बेटियों का शोषण करते हैं। बिना देखे सब कुछ बता देते हैं वो। हाँ, वो बिना देखे ये भी बता देंगे कि कब उनकी मौत होने वाली है, जब जनता उन पर जूते मारेगी, जब जनता उनको चौराहे पर खड़ा करके नंगा करेगी, तब उनको उनको पता है कब करेगी। वो देश को विश्वगुरु बनाने की तरफ जा रहे हैं, वो विश्वगुरु बनाएंगे हमारे जो, हाँ वो सनातन और विश्वगुरु की जो कहानी है वो अनपढ़ लोग उन्हीं जैसे कहेंगे, लेकिन आप जैसे हम आपको अनपढ़ बताया जा रहा, गंवार बताया जा रहा। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे गंवार, ऐसे लोगों को तो गंवार कहा जाता है ना, जो सच की आवाज उठाते हैं उन्हीं को देशद्रोही कहा जाता है, उन्हीं को अनपढ़ गंवार कहा जाएगा, उन्हीं को कहा जाएगा कि ये तो इनके पीछे कोई विदेशी ताकत है। सारी समस्याओं का हल है उनके पास, धीरेन्द्र पर्चा भी बना देंगे, पर्चा बिल्कुल। देखिए पर्चा बनाने वाले और झूठ बोलने वाले और ऐसे लोगों के लिए हमारे समाज में जब तक जगह रहेगी, जब तक एक भी व्यक्ति ऐसे लोगों की बात सुनने में रहेगा, तब तक हम लानत भेजते हैं ऐसी शिक्षा पे। शिक्षा ने 70 साल में क्या अनपढ़ी बनाया लोगों को, क्या धीरेन्द्र वो जो जो कौन था शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के पीछे। ब्राह्मण कुल में देखो 27 साल की उम्र में कितनी तरक्की और जय पाया उन्होंने, कोई लूट के, कोई ड्रग बेच के, कोई बेवकूफ बनाकर, किसी को उल्लू बनाकर, अनपढ़ मूर्ख जनता को मूर्ख बनाकर अगर वो अपने पैसा इकट्ठा कर ले, और ये पैसा अकेला इनसे नहीं आता, जनता से, ये उन पूंजीपतियों से भी आता है, उन नेताओं से भी आता है जो उनके चरणों में जाकर खिदमत करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए वोट बैंक बनाते हैं। इन्हें पता है कि अगर इन लोगों को हमने बेवकूफ बनाने की छूट दे दी, ये खिलाड़ियों को या और दूसरे लोगों को, आप जैसे हम जैसे लोगों को आगे नहीं आने देंगे, ये उन बाबाओं को आगे लाएंगे, रामदेव को आगे लाए। रामदेव ने कहा 24 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, बाबा ही था ना वो भी, आज वो विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति बन गया है। इसी तरह धीरेन्द्र बाबा भी किसी दिन समान देश का पाएगा और बन जाएगा। आज तो सत्ता में क्यों पड़ गया धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे, आप लोग पाखंडी बता रहे हैं, अंधविश्वासी बता रहे हैं। देखिए एक नागपुर के वो है, हम पीछे नहीं पड़े हैं, वो श्याम मानव वो भी पीछे पड़ गए, चैलेंज कर रहे हैं, हम पीछे नहीं पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को तो इस समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है, अगर वो इतनी गंदी बकवास करते हैं कि हम आपके कुल से ही आते हैं, वो आप भी ब्राह्मण वो भी। देखिए बार बार आप कुल और ब्राह्मण की बात मत करिए, क्योंकि हमें इस कुल को और इस ब्राह्मणत्व को छोड़े बहुत दिन हो गए, क्योंकि हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूर्वजों के, जो उनके सेना में, आप ब्रह्म ज्ञानी है, ब्राह्मण है। ब्रह्म ज्ञानी वो इंसान है जो समता मूलक बात करता है, समाज के हित की बात करता है, बेटियों के बेटियों को बराबर समझता है, पुरुष और महिला में अंतर नहीं करता है, हमारे दलित और स्वर्ण में अंतर नहीं करता है, और समाज के भले के लिए काम करता है, समाज को अंधकार में डुबोने के काम नहीं करता है। अब ये जो नेता है हमारे, ये देश को अंधकार में डुबो रहे हैं। आपको डर नहीं लगता? देखिए डर लगता तो देश आजाद होता, भगत सिंह जैसी कुर्बानी देते, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग INA बनाते। डर को तो आप समझ लीजिए, डरते वही लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे या अब वो जो ब्रजमोहन जी हैं, जो भी हैं, उन जैसे लोग डरेंगे। शिक्षक जी, आप खुद एक शिक्षिका है और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी एक शिक्षक टीचर प्रोफेसर हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं कि ये जो धर्मशास्त्र है ये बांटने वाले समाज को, तो उनके बयान से सहमत है? देखिए हाँ मैं बताती हूँ, जो भी धर्म शास्त्र लिखे गए उस फ्यूडल सामंती समाज में लिखे गए, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था और उस समाज में क्या प्रोडक्ट होगा। आज विज्ञान का जमाना है, विज्ञान में विज्ञान का स्विच ऑन करिए, ब्राह्मण ऑन करेगा तो लाइट जलेगी। विज्ञान का चुनौती दे रहे हैं बाबा धीरेन्द्र। उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, दलित सेवा करने के लिए है, महिलाएं सेवा करने के लिए है, और जो है हम राज करने के लिए। उसी समय उर्जा आधार पर ग्रंथ, अब उन ग्रंथों में जो लिखा आज वो
सरासर झूठ है, गलत है और वो उस जमाने में सच हो सकता था, आज सच नहीं है। इसलिए हम किसी व्यक्ति या किसी ग्रंथ का विरोध नहीं कर रहे, हम उस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं जिस व्यवस्था को आज ये पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये ग्रंथों को नहीं ला रहे हैं, आज ये उस व्यवस्था को लाने के लिए, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री है, चाहे वो ये क्या रामदेव है, चाहे कोई और है, ये सब वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो काम आज आउटडेटेड है, जिसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है। आज वैज्ञानिक विचार फैलाने की आवश्यकता है, डेमोक्रेटिक समाज है, वैज्ञानिक विचार, डेमोक्रेटिक समाज, मानवतावादी। विज्ञान ने तो बर्बाद कर दिया है। विज्ञान ने बर्बाद कर दिया तो उठा के क्यों नहीं फेंक देते मोबाइल, ये लोग क्यों माइक पर आवाज देते हैं, वो भी तो विज्ञान ने बनाया ना, क्यों भाषण देते हैं, क्यों ये कारों में घूमते हैं, वो भी विज्ञान ने बनाया। तो इनको तो बैलगाड़ी में चलना चाहिए, उनके दरबार लगता है, लाखों लोग जाते हैं उनके पास अपनी समस्या लेकर, और वो हवाई जहाज में घूमते, समस्याएं तो इस पूंजीवाद में पैदा कर रखी है, उन समस्याओं का समाधान बाबाओं के में नहीं हो सकता। वो जो बाबा है वो बेवकूफ बनाने का काम करते हैं कि समस्याओं के लिए लोगों की जागरूकता ना हो जाए, कभी लोग कभी सवाल ना करने लगे, लोग सवाल ना करें, और जो सवाल करेगा उसको मंडिया में लाखों की भीड़ जाती है, वहाँ कैसे बेवकूफ बना देंगे। देखिए होने दीजिए ना, अब ये बेटियां विरोध से डरती तो क्या आज ये यहाँ पर बैठती। बेटियां जो कि इतनी प्रतिष्ठित है, देश के लिए सोना कमा रही है, देश के लिए मेडल ला रही है, विश्व में नाम प्रतिष्ठा कमा रही है, आज अगर वो बाहर निकली है तो उनसे बड़ा साहस का काम कौन कर सकता है। हम क्या है, हम तो एक प्रिंसिपल है, लेकिन ये बेटियां, इनका कितना ऊंचा सम्मान है, विश्व में नाम दर्ज है, ओलंपिक में नाम दर्ज है, 3 दिन से बैठी है, फिर भी देखिए, फिर भी ये है, इनको सलाम है, इनके जज्बे को सलाम है, ये बेटियां हैं। सरकार सुनवाई नहीं कर रही, सरकार देखिए, सरकारें कभी भी मानवता हितैषी कम से कम इस देश की तो है नहीं। मानवता हितैषी होती तो बेटियों को सड़क पर नहीं उतरना पड़ता, उनकी शिकायत पर कार्रवाई होती, और वो भी 3 दिन अगर बैठी है, इस सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है। और इसका हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से धिक्कार करते हैं और इसको लानत भेजते हैं ऐसी सरकारों को, ऐसे मंत्रियों को, ऐसे ऐसे जो सांसद हैं, अगर संसद में ही ऐसे लोग लगा लेंगे अगर आरोप सिद्ध हुए तो। हाँ तो लगा लेना, जब बेटियों को फांसी लग रही है, बेटियों को वो अंजलि क्या था, अंकिता भंडारी को मार के नदी में बहा देते हैं इनके मंत्रियों के बेटे और गलत काम करवाने के लिए, ये बेटियां गलत काम करने से झुकी नहीं है इसलिए तो यहाँ बैठी है, वो बेटी नहीं झुकी इसलिए उसे मार के ये फांसी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ले लेनी चाहिए फांसी, मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, देश पर बाहर है ये लोग, इन लोगों को कोई और मार के अपने सर पाप ना ले, ये खुद मर जाने चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश का बर्बाद किया है, इन्होंने किसान मजदूर महिला दलित युवा सबको बर्बाद किया है, ना इन्होंने खेती किसानी छोड़ी, ना इन्होंने रोजगार छोड़े, ना इन्होंने सांसद महोदय कह रहे हैं ये एक ही परिवार विरोध कर रहा है, वो भी हरियाणा का, और सब मेरे साथ है खिलाड़ी, सारी देश की महिलाएं विरोध कर रही हैं, जिनके दिल में, और वो सारे पुरुष और भाई विरोध कर रहे हैं जिनके दिल में अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए है ना दर्द है, और जो देश का सम्मान चाहते हैं विश्व में, उन सबको वो सब आज सड़क पर आने को उतावले हैं। लेकिन अब यहाँ हमें घुसने भी नहीं दिया था, हमारे संगठन की 10 महिलाएं आने वाली थी, लेकिन यहाँ मुझे ही नहीं घुसने दिया, मैं ही धक्के से घुसी हूँ कि मैं प्रिंसिपल हूँ, बोले खिलाड़ी ही जा सकते हैं, मैंने कहा मैं खिलाड़ी तैयार करने वाली प्रिंसिपल हूँ, मुझे जाने दीजिए, और मैं जबरदस्ती घुस गई। तो इन लोगों ने घुसने नहीं दिया है, वरना यह लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाए, क्योंकि किसानों के बच्चे हैं, और किसान जिन्होंने 11 महीने आंदोलन करके अपनी लड़ाई जीती है, उसी तरह से ये बच्चे जीतेंगे। और ये आंदोलन केवल कुश्ती फेडरेशन का नहीं है, ये देश के हर खेल में जो धांधली चल रही है, वरना 135 करोड़ आबादी वाला देश खाली झोली लेकर लौटता है ओलंपिक। और बात धांधली की थोड़ा, यहाँ तो उत्पीड़न की बात चल रही है, यौन, देखिए यौन उत्पीड़न होता है और धांधलियाँ होती हैं, इसीलिए देश की ना बेटियाँ आगे बढ़ पाती हैं, ना आप जैसे युवा आगे बढ़ पाते हैं, ना सच्चे अर्थों में जो सच्चा गेम खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो बढ़ पाते हैं। तो ये इनका एक तरह से ऐसा इन्होंने वो बना लिया है चक्रव्यूह कि इसमें कोई शरीफ सीधा सच्चा इंसान आगे बढ़ नहीं सकता, और इसी के लिए लड़ाई इन्होंने बच्चों ने शुरू करी है, हम तहे दिल से इसके साथ हैं। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन इनको दिल से धन्यवाद देता है और इनको सलाम करता है।